मित्रों, इस स्त्रियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो चाहे कितने भी सत्यप्रिय क्यों ना हो, उनके अंदर अनगिनत रहस्य दबे रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में इस स्त्रियों से जुड़ी ऐसी ही चार बातों को बताया है, जिन्हें वो अपने पति तक को नहीं बताती। और ये चारों ही चीजें ऐसी हैं जो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यों के बारे में, तो बने रहें आज की इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और उस स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान हिंदी YouTube चैनल पर। एक बार फिर मित्रों, वास्तव में आचार्य चाणक्य ने अपनी निधि स्त्रियों की पुरुषों से तुलना करते हुए उनकी भावनाओं के बारे में बताया है, जो इस स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। अब मित्रों, ये तो यथार्थ है कि महिलाओं में प्रेम त्याग करे तब जैसी ऐसी बहुत सी भावनाएं होती हैं, जिनकी पुरुषों से यदि तुलना की जाए तो वो कहीं अधिक है। परंतु मित्रों, आचार्य चाणक्य द्वारा कथित जिन्हें भावनाओं की आज हमें बात करने जा रहे हैं, वो इनसे काफी अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली है शर्म और लज्जा। मित्रों, वैसे भी आपने आम बोलचाल की भाषा में ये सुना ही होगा कि शर्म एक स्त्री का गहना होता है, जिसका प्रमाण है चाणक्य नीति में वर्णित है ये कथक कि एक स्त्री के अंदर शर्म और लज्जा पुरुषों की तुलना में चार गुना अधिक होती है। यही कारण है कि चाहे वो कोई भी स्त्री हो, वो कुछ भी कृत्य करने से पहले कई बार ये जरूर सोचती है कि उसके परिवार वालों पर इस कृत्य का अच्छा असर पड़ेगा या फिर बुरा। दूसरा है भूख। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर स्त्री की भूख अर्थात आहत पुरुषों की तुलना में दोगुना होता है। जी हाँ, सुनने में ये भले ही अस्वाभाविक लगे, परंतु ये सत्य है। वर्तमान समय की बात करें तो आपको ऐसी स्त्रियां बहुत ही कम देखने को मिलेंगी जो ज्यादा भोजन करती हों, लेकिन इनमें उनका कोई दोष नहीं। आज की जीवन शैली और अव्यवस्थित खानपान ही ऐसा है, जिसके चलते स्त्रियां खुद को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के रूप में कुछ ही चीजें ग्रहण करती है। अब चलते हैं तीसरी चीज की तरफ, जो है काम वासना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री में काम वासना में पुरुषों से कहीं अधिक होती है, लेकिन असीमित सहन शक्ति और ये साहस के कारण स्त्रियां अपने अंदर की इच्छा कभी उजागर नहीं होने देती, बल्कि धर्म और अपने संस्कारों की अनुयायी रहकर वो अपने परिवार को संभालती है। हमारे धार्मिक शास्त्र ही नहीं, इसे तथ्य का समर्थन तो विज्ञान भी करता है, जिसके अनुसार एक पुरुष की अपेक्षा इस तरह के अंदर एक काम वासना की इच्छा ज्यादा उत्पन्न होती है, परंतु साथ ही उस पर नियंत्रण में रखने की क्षमता भी एक स्त्री के अंदर पुरुषों से कहीं ज्यादा है। चौथा है साहस। समाज में हमेशा से जब भी साहस और बल का जिक्र होता है तो उसे सीधा पुरुषों या फिर उनके पुरुषार्थ से जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं स्त्रियों को कोमल समझकर उन्हें सुरक्षित रखने की बात कही जाती है। मित्रों, ये एक सामाजिक धारणा है। आपको बता दें, चाणक्य नीति में वर्णित तो ये चौथी बात सुनकर आपका ये नजरिया बदल सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा इस तरह छह गुना अधिक साहसी होती है। जी हाँ, अगर वो कुछ ठान ले तो पीछे कभी नहीं हटती और इस सफलता प्राप्त करके ही लाती है। यही कारण है कि पुराणों में भी स्त्रियों को शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं वीडियो में बताए गए ये तथ्य आपको इन स्त्रियों को समझने में और उनसे जुड़ी सोच को बदलने में सहायक साबित होंगे। आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।